বাকি কিন্তু মারা গেছে এটা চায়নার কোম্পানি নয় দেশীয় কোনো কোম্পানির মাধ্যমে রিলায়েন্স উল্টো আরো সেল করতে পারে সেই ক্ষেত্রে স্বাগতম সবাইকে পিকচার ডিরেকশনে আমরা চলে এলাম আবারও আপনাদের সঙ্গে আরও একটি ভিডিও শেয়ার করার জন্য আর আজকে আমরা যে ভিডিওটি আপনাদেরকে সঙ্গে নিয়ে দেখব সেই ভিডিওর টাইটেল হচ্ছে হোয়াট ইজ 5G ট্রায়াল হোয়াই ইজ চায়না অ্যাংরি অ্যাট ইন্ডিয়া এক্সপ্লেইন 5G ট্রায়াল করার জন্য চায়না রেগে আছে ইন্ডিয়ার উপর এই বিষয়টা এক্সপ্লেন করবে এই ভিডিওর মধ্যে তো এই ভিডিওটি আমরা নিয়েছি ইউটিউব চ্যানেল ওয়ার্ল্ড অ্যাফেয়ার্স থেকে আর ওনাদের অরিজিনাল ভিডিওটি আমাদের ভিডিওর নিচে ডিসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে আপনারা চাইলে সেখান থেকেও অরিজিনাল ভিডিওটি দেখে নিতে পারেন তো চলুন সবাই মিলে ভিডিওটি দেখে আসি हेलो एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स मैं हूं प्रशांत धवन नाउ हाल ही में आपने सुना होगा 5G ट्रायल के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सरल शब्दों में बताऊंगा कि 5G ट्रायल जो आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है ये है क्या चाइना इन ट्रायल को लेकर गुस्सा क्यों है हाल ही में आपने जो ये आर्टिकल्स देखे होंगे कि चाइना एक्सप्रेसेस कंसर्न रिग्रेट ओवर इंडियाज 5G एक्सक्लूजन इसका मतलब क्या है और USA यहाँ पर भारत की तारीफ क्यों कर रहा है 5G ट्रायल में चाइना को बाहर रखने के निर्णय को लेकर तो सब कुछ यहाँ पे मैं आपके लिए करूँगा क्रिस्टल क्लियर सबसे पहले बात करते हैं 5G ट्रायल के बारे में कि ये आखिर है क्या नाउ जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 5G की फुल फॉर्म है फिफ्थ जनरेशन ये है फिफ्थ जनरेशन सेलुलर नेटवर्क टेक्नोलॉजी का यहाँ पर पहुँचने में हमको 40 साल से ऊपर लग गए क्योंकि आप अगर 1980 में देखो तब हमारे पास था 1G उसके बाद 1990 में आया 2G उसके बाद अर्ली 2000 में 3G आया फिर आपने देखा कि 2010 के बाद आया 4G और 4G स्पीड से भी अब बात की जा रही है कि 20 गुना तेज स्पीड मिलेगी आपको इन 5G नेटवर्क हालांकि जो ये 20 गुना ज़्यादा स्पीड वाली बात है ये ज़्यादातर थ्योरी पर बेस्ड है इन रियलिटी आपको अगर 10 गुना ज़्यादा स्पीड भी मिल जाए तो वो भी मैं कहूँगा काफ़ी क्रांतिकारी होगा इससे ओवरऑल जैसे हम फंक्शन करते हैं जैसे हम ड्रोन्स को कंट्रोल करते हैं जैसे हम कार्स को ड्राइव करते हैं सब कुछ रेडिकली चेंज हो जाएगा आने वाले कुछ सालों में थैंक्स टू 5G नाउ इंडिया की अगर हम बात करें तो हमारे देश में कुछ हद तक एक कॉमेडी चल रही है कॉमेडी यह है कि आप अगर अमेजोन फ्लिपकार्ट पे जाओ या फिर कहीं भी मार्केट में आप अगर जाओगे तो आपको वहाँ पर 5G के फ़ोन तो मिल जाएंगे मगर 5G नेटवर्क अभी भी भारत में ऑपरेशनल है नहीं ये कुछ हद तक ऐसे ही है जैसे आज से कुछ 10 साल पहले कई हमारे गांव थे वहाँ पे लैपटॉप आ गए थे मगर बिजली नहीं आई थी खैर अब भारत में कभी ना कभी 5G तो लेके आना है तो भारत सरकार ने उसी की पहल करी है भारत सरकार का जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है इसने हाल ही में ये कहा कि जो हमारे देश में टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर हैं जैसे कि भारती एयरटेल रिलायंस जियो इन्फोकॉम वोडाफोन आइडिया MTNL इन सब कंपनीज़ को इकट्ठा किया और ये यहाँ पे इनको ऑर्डर दिए कि 5G टेक्नोलॉजी के ट्रायल करो मतलब कि टेस्ट करो हमारे देश में कि क्या आप लोग 5G टेक्नोलॉजी ऑपरेट कर पा रहे हो जो बहुत सारे यूजेस होंगे 5G के क्या आप उनको अपने नेटवर्क पे चला पाओगे तो अभी के लिए क्या हो रहा है कि ये सब जो कंपनीज हैं यहाँ पर भारतीय एयरटेल वोडाफोन MTNL ये सब इक्विपमेंट परचेज कर रही हैं इक्विपमेंट खरीद रही हैं बाहर की कंपनी से जैसे कि एरिक्सन नोकिया सैमसंग या फिर C-Dot ये जो कंपनियाँ ना यहाँ पर एरिक्सन नोकिया सैमसंग वगैरह ये सब प्रोवाइड करेगी 5G इक्विपमेंट 5G इक्विपमेंट क्या है देखो 5G इक्विपमेंट सिर्फ मोबाइल फ़ोन नहीं होता उसके अलावा बहुत कुछ और यहाँ पे आपको चाहिए होता है आपको टावर चाहिए आपको रिसीवर चाहिए उसके अलावा यहाँ पे आपको राउटर चाहिए बहुत ही बड़े स्केल पर तो ये सारा जो इक्विपमेंट है जो इस्तेमाल किया जाता है 5G टेक्नोलॉजी को यूज़ में लाने के लिए ये सब जो इक्विपमेंट है ये परचेज कर रही है ये सब कंपनीज एरिक्सन नोकिया सैमसंग और C-Dot से हाँ मैं आपको ये बात क्लियर कर दूँ कि रिलायंस यहाँ पे कोई इक्विपमेंट परचेज नहीं कर रहा क्योंकि रिलायंस यहाँ पर ये कह रहा है कि हम नेटवर्क भी खुद का यूज़ करेंगे और उसके अलावा जो हमारा ओरिजिनल इक्विपमेंट है वो भी हम खुद यूज़ करेंगे हम बाहर की कंपनी से 5G का इक्विपमेंट परचेज नहीं करेंगे तो रिलायंस को छोड़ के आप कह सकते हैं ये सब जो सारी कंपनीज हैं ये सब परचेज करेंगी 5G का इक्विपमेंट और उसके बाद भारत के विभिन्न एरिया में चाहे हमारे गांव हो या फिर हमारे शहर हो वहां पर ये लोग टेस्ट करेंगे 5G टेक्नोलॉजी की स्पीड और ये सब जो काम है ये चलेगा आने वाले 6 महीने तक पहले के जो 2 महीने हैं ये भारत सरकार ने दिए हैं इक्विपमेंट को इकट्ठा करने के लिए कि जो भी आपको 5G रिलेटेड इक्विपमेंट चाहिए प्रोक्योर कर लो उसके बाद के जो 4 महीने हैं उसमें आप कर सकते हो 5G स्पीड के ट्रायल्स पूरे इंडिया में ना यहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि 4 महीने लग जाएंगे बस ट्रायल करने में
देखो 5G टेक्नोलॉजी में सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस फ़ोन कॉल किया या फिर मोबाइल गेमिंग कर ली अपने मोबाइल फ़ोन पर। 5G टेक्नोलॉजी अपने आप में बहुत कुछ लेके आएगी। यहाँ पे टेलीमेडिसिन में आप देखोगे बहुत तरक्की होगी। एक बार को इंटरनेट की स्पीड इतनी तेज़ हो जाएगी कि कोई भी पेशेंट आराम से अंडमान में भी बैठकर फुल प्रॉपर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बिना किसी बफरिंग बिना किसी लेटेंसी के किसी दिल्ली में बैठे हुए डॉक्टर को अपनी जो बॉडी है जो भी फिजिकल कंडीशन है ये दिखा सकता है। एक प्रॉपर फिजिकल एग्जामिनेशन हो सकता है। तो ये सब जो पॉसिबिलिटीज़ है ये हमारे सामने है। तो इसलिए सरकार इंश्योर करना चाहती है कि जो भी भारत में इस वक्त कंपनीज हैं ये प्रॉपर तरीके से 5G स्पीड को ऑपरेट कर पाएगी या नहीं। और ये सब करने के लिए भारत सरकार ने अभी के लिए इन कंपनीज को एक्सपेरिमेंटल स्पेक्ट्रम भी देने का वादा किया है। एक्सपेरिमेंटल स्पेक्ट्रम क्योंकि अभी के लिए स्पेक्ट्रम बेचा नहीं गया, या आप कह सकते हैं बस ट्रायल बेसिस पे सरकार ने कहा है कि ये जो स्पेक्ट्रम है ये यूज करो और चेक करो कि 5G में कितनी स्पीड आप यहाँ पे ला पाते हो। नाउ यहाँ पे आप पूछेंगे अच्छा चाइना की एंट्री कहाँ पे होनी थी, चाइना को कैसे नुकसान हुआ यहाँ पर। चाइना भी यहाँ पर ये वोडाफोन आइडिया भारतीय एयरटेल की तरह कोई अपना जो 5G की सिम है ये बेचना चाहता था, तो इसका आंसर है नहीं। यहाँ पे जो बाकी कंपनी है ना जैसे कि एरिक्सन नोकिया सैमसंग सी डॉट, इन कंपनीज के साथ चाइना चाहता था कि चाइनीज कंपनीज भी यहाँ पर शुमार हो, प्राइमरली हुआवे और ZTE जो 5G का इक्विपमेंट है जो इंडियन कंपनीज परचेज करेंगी इन सब कंपनीज से, वो बिजनेस चाइना चाहता था कि इनकी कंपनीज को मिल जाए। मगर भारत ने बॉर्डर पे जो स्थिति है ये देखते हुए यहाँ पे निर्णय ये लिया कि इन कंपनीज की लिस्ट में चाइना यहाँ पे एंट्री नहीं करेगा, मतलब कि चाइना यहाँ पर 5G ट्रायल में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। हमने ऑफिशियली चाइनीज कंपनीज को ब्लॉक नहीं किया मगर सिंस उनको इनवाइट नहीं किया गया तो अपने आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर चाइना को एक्सक्लूड कर दिया गया है। और ये करने का क्या भारत ने कुछ रीज़न दिया है? देखो रीज़न यही है कि बॉर्डर पर चाइना के साथ अभी भी तनाव ख़त्म हुआ नहीं है, चाइना ने अभी भी अपनी जो सेना है बॉर्डर पर डिप्लॉय कर रखी है और ऐसे वातावरण में भारत और चीन के रिलेशंस इंप्रूव नहीं हो सकते। तो आज के समय चाइना जो कर रहा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में उसकी वजह से बिलियंस का यहाँ पे उनको लॉस हुआ है और इस वजह से भी आप देख रहे हैं कि चाइना काफ़ी हद तक कंप्लेन कर रहा है, काफ़ी हद तक गुस्सा है कि हमको 5G ट्रायल से बाहर क्यों निकाला। नाउ यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये आएगा कि चलो ठीक है चाइना यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा मगर बीच में कुछ ये भी सुनने में आया है कि कोरोना का कुछ रिलेशन है इससे यहाँ पे 5G से, तो इसका आंसर देखो यहाँ पर जान लो ये कच्ची पक्की इन्फॉर्मेशन है, व्हाट्सएप पे लोग शेयर कर लेते हैं तो आप लोग ऐसे किसी बात पर विश्वास मत करिएगा। नाउ अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि ठीक है भारत में जो ये ट्रायल है स्टार्ट हो गया तो भारत में ओवरऑल कमर्शियल लेवल पर 5G कब दिखेगा, कब तक हम बस 5G के जो फ़ोन है वही लेकर बैठेंगे उस पर 5G यूज़ कब करेंगे। देखो अभी तो 5G के ऑक्शन होने हैं, अभी जो 5G का स्पेक्ट्रम है अभी सरकार तो यहाँ पर ट्रायल बेसिस पर कंपनी को कहेगी कि ये लो थोड़ा सा 5G का स्पेक्ट्रम यहाँ पे 5G को टेस्ट करो। अभी जो ये स्पेक्ट्रम है फिर बेचा जाएगा वोडाफोन को रिलायंस को भारतीय एयरटेल को, तो अभी जो ये ऑक्शन है ये होगा 2022 के शुरुआत में। तो ऑक्शन के बाद आप कह सकते हैं आराम से कमर्शियल लेवल पर 5G लॉन्च होगा मोस्ट प्रोबेबली 2022 के अंत में, या फिर ये भी हो सकता है 2022 के सेकेंड या फिर थर्ड क्वार्टर में। तो अभी भी आराम से एक से लेकर 1.5 साल लगेगा कमर्शियल लेवल पर 5G को लॉन्च होने में इन इंडिया। और यहाँ पे हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि ऑक्शन में 5G का जो ये स्पेक्ट्रम है कोई खरीदने भी आएगा, क्योंकि अभी के लिए सरकार ने जो रेट लगा रखा है 5G एयरवेज का 492 करोड़ रुपीज़ पर यूनिट, ये कई कंपनीज कह रही हैं कि बहुत ज़्यादा है, इतना ज़रा पर यूनिट ये कंपनीज पे नहीं कर पाएंगी। तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि प्राइस को लेकर जो ये ऑक्शन है ये फिर से डिले हो जाए और ओवरऑल भारत में हो सकता है कि 5G 2-2.5 साल बाद भी लॉन्च हो अगर प्राइस का इशू बना रहा। नाउ यहाँ पे आती है चाइनीज़ कंपनीज़ की नीड। नाउ चाइना में देखो जितनी भी कमियाँ हैं, हुआवे में जितनी कंपनियाँ हैं, जो ZTE कंपनी है चाइना की, इनके जितने रिलेशन हैं चाइनीज़ आर्मी के साथ चाइनीज़ मिलिट्री के साथ, एक बात हमको एक्सेप्ट करनी होगी कि जो चाइनीज़ कंपनीज़ 5G का इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करती है ये काफ़ी सस्ता होता है कंपेयर टू नोकिया एरिक्सन जो या बाकी कंपनीज़ हैं यहाँ पर सैमसंग। तो इंडियन कंपनीज़ को देखो यहाँ पे ज़रा पे करना पड़ेगा, हमारी कंपनीज़ के लिए ज़्यादा आप कह सकते हैं फ़ायदेमंद ये रहता अगर चाइनीज़ कंपनीज़ को एंट्री मिल जाती 5G ट्रायल के ज़रिए और ये भी अपना इक्विपमेंट बेच पाती। मगर कहीं ना कहीं हमको जो नेशनल सिक्योरिटी है इसको ऊपर रखना होगा, जो नेशनल सिक्योरिटी की इंपॉर्टेंस है इसको इग्नोर कर नहीं सकते। तो आप कह सकते हैं कि ये जो लॉस है हमको झेलना होगा, इसका कोई ज़्यादा हमारे पास विकल्प है नहीं। एक विकल्प ये है कि रिलायंस इतने बड़े स्केल पर 5G का इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दे कि ये ना सिर्फ अपनी कंपनी इवन भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को भी ये इक्विपमेंट सेल कर पाए। हाँ मैं आपको ये बता दूँ कि अगर ऐसा होता है तो रिलायंस की हो जाएगी कंप्लीट एब्सोल्यूट मोनोपोली इंडियन टेलीकॉम सेक्टर में।
और अभी के लिए देखो जिस तरीके से स्थिति बन रही है, अपॉर्चुनिटी भारतीय एयरटेल के पास इतने फंड्स हैं नहीं, वोडाफोन आइडिया के पास इतने फंड्स हैं नहीं, तो मोस्ट प्रॉब्ली ऑक्शन में भी सबसे ज़्यादा जो स्पेक्ट्रम है वो भी रिलायंस ही परचेज करेगा। तो ऐसे लग यही रहा है कि इवेंचुअली भारतीय टेलीकॉम मार्केट में एक सिंगल कंपनी की मोनोपोली होगी एंड दैट कंपनी विल बी रिलायंस। কথা হচ্ছে 5G চালু হলে যারা রিমোট থেকে যোগাযোগ করে রিমোট প্লেস থেকে, যেখানে হচ্ছে তোমার যে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট অ্যাভেলেবেল না, যারা মোবাইল দিয়ে ইন্টারনেট ইউজ করে তাদের ফ্যাসিলিটিস জন্য মূলত 5G এটা ইউজ বেটার হয়। আর তাছাড়া যখন আমরা ট্রান্সপোর্টে থাকি, রাস্তায় থাকি, জার্নিতে থাকি, তখন 5G ইউজ হচ্ছে। আদারওয়াইজ যখন বাসায় ইউজ করছি তখন কিন্তু আমরা ব্রডব্যান্ড ওয়াইফাইটাই ইউজ করছি। কিন্তু এখানে এই ভিডিওর বিষয়ের বাইরে আমি কিছু কথা বলতে চাই, যেটা হচ্ছে আমাদের যখন 2G আসলো, তারপর 3G 4G, এগুলো কিন্তু আসলে পরিবেশের একটা ক্ষতি করছে মারাত্মক। যেমন হচ্ছে যে যখনই 3G যে সিগন্যালটা মোবাইল টাওয়ার থেকে ছাড়া হয়, তখন আশেপাশে যে সমস্ত ফলের গাছ থাকে ওই সমস্ত গাছের ফলের সাইজগুলো ছোট হতে থাকে এবং অনেক গাছ কিন্তু ফল দেওয়া বন্ধ করে দেয়, এরকম একটা প্রবলেম আছে। তাছাড়া এটা আমি অ্যাকচুয়ালি জানি না, তবে এটা লোক মুখে শোনা, এটা আসলে সাইন্টিফিক কোনো রিজন আছে কি না অ্যাকচুয়ালি আমি নিজেও জানি না। এটা আসলে যারা এগ্রিকালচার নিয়ে কাজ করে, গবেষণা করে, তাদের কাছ থেকেই পাওয়া। এবং সর্বোপরি আরেকটা বড় জিনিস হচ্ছে, যেমন 5G টেকনোলজি যখন চালু হবে এবং চলবে, তখন পাখিরা যারা আকাশে উড়ে বেড়ায় তাদের জন্য অনেকটা প্রবলেম হয়, কেননা একটা সূক্ষ্ম একটা সিগন্যাল মুভমেন্ট করছে যেটা হয়তোবা আমরা মানুষরা এটাকে ধরতে পারি না, কিংবা আমাদের মাথায় সেই সিগন্যালটা ক্যাচ করে না, কিন্তু ছোট পাখি কিংবা আকাশে যে সমস্ত পাখিরা ঘুরে বেড়ায় তাদের কাছে ওই সিগন্যালটা খুব খারাপ লাগে, যে কারণে অনেক পাখি কিন্তু মারা গেছে, এরকম অনেক ধরনের নিউজও কিন্তু আমরা দেখেছি। আমার কাছে মনে হয় যে সব ফেক নিউজ কিনা আই ডোন্ট নো, আমার কাছে মনে হচ্ছে যে কোথাও কোথাও দেখিয়েছে যে 5G নেটওয়ার্ক শুরু হয়ে গেছে, যার কারণে অনেক পাখি মারা গেছে, তারপর হচ্ছে অনেক গাছগাছালি মারা যাচ্ছে, ফল কম দিচ্ছে, এটা এক ধরনের কুসংস্কার কিনা সেটাও আমি জানি না, বা এর পিছনে কোনো সাইন্টিফিক রিজন আছে কিনা এটাও আমি জানি না, যেহেতু তুমি বলছো সেটা এটা নিয়ে আর একটু রিসার্চ করা উচিত আমাদের। এখানে একটা সাইন্টিফিক রিজন তো আছে, কেননা এগুলো সবগুলো হচ্ছে একটা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ, একটা ওয়েভ যাচ্ছে যেটা হচ্ছে ইলেকট্রনও যাচ্ছে, সো কিছু প্রবলেম তো অবশ্যই রয়ে গিয়েছে। আর এরপরের ভিডিওতে যদি আসি, সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে 5G ট্রায়াল চালু হয়েছে, এটা ভালো যে ইন্ডিয়ার জন্য অনেক ভালো, যে এখন যদি 5G ইন্ডিয়াতে চালু হয়ে যায় তাহলে মানুষজনের যে কমিউনিকেশন সেটা আরও দ্রুত হবে, আরও ফাস্টার হবে। আর এই 5G চালু করার জন্য তাদের যে ইকুইপমেন্ট কিনতে হবে যেগুলো প্রয়োজন, সেগুলো তারা যে সমস্ত কোম্পানি থেকে কিনছে তার কোনোটা আসলে চায়নার কোম্পানি নয়, যার কারণে চায়না আর কি একটু ক্ষুব্ধ আর কি তাদের প্রতি। তো এখানে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে হ্যাঁ, চায়না থেকে নিলে হয়তো তারা আরও কম খরচে নিতে পারতো, আর আমরাও জানি যে চায়নার প্রোডাক্ট কিন্তু আমরা অনেক কম খরচেই পেয়ে যাই, তো সেক্ষেত্রে খরচ অনেক কম হতো, কিন্তু তারপরও তারা ন্যাশনাল সিকিউরিটির ব্যাপারটাকে চিন্তা করে তারা চায়নার কাছ থেকে নিচ্ছে না। তো এটাও এক দিক থেকে রাইটস আছে যে এটা তাদের দেশের জন্য একটা সঠিক সিদ্ধান্ত, কারণ যে কোনো সময় যেহেতু পাশাপাশি দেশ এবং তাদের মধ্যে সুসম্পর্কটা ওইভাবে নাই, তো সেক্ষেত্রে তাদের জন্য এটা একটা প্রবলেমও হতে পারে, যার কারণে হয়তো গভর্নমেন্ট ওইভাবে চিন্তাভাবনা করেই কাজ করেছে। আর আরও একটা ব্যাপার আমি বলবো যে গভর্নমেন্ট যেহেতু চিন্তাভাবনা করেই কাজ করছে, সেখানে আমার কাছে মনে হয়েছে যে এই জিনিসটাকে তারা দাঁড় করাতে চাচ্ছে দেশীয় কোনো কোম্পানির মাধ্যমে, আর যেটা ক্ষেত্রে হচ্ছে রিলায়েন্স। রিলায়েন্স যদি নিজে থেকেই সব কিছু ডেভেলপ করতে পারে, ইকুইপমেন্ট সব কিছু নিজেই বানাতে পারে, তাহলে তাদের কস্ট কিন্তু আরও কমে যাবে আমার কাছে মনে হয়। হয়তো প্রথম দিকে তাদের ইনভেস্টমেন্ট অনেক বেশি লাগবে, কিন্তু একটা পর্যায়ে যেয়ে কিন্তু তাদের এসব ইকুইপমেন্ট যখন দেশেই তৈরি হবে তখন তাদের কিন্তু খরচ কমে যাবে আলটিমেটলি। তো নিজের দেশেও একটা তারা একটা কোম্পানিকে দাঁড় করানোর জন্য চেষ্টা করছে, হয়তো একটা নতুন একটা পথ আর কি, পন্থা বা বলবো যে এই পথে হয়তো নতুন আরো অনেক লোকজন জড়ো হবে, যে আরো অনেক সেক্টর এখানে ওপেন হবে এই সাথে সাথে, তো সেটাও হয়তো গভর্নমেন্টের একটা সুপরিকল্পিত একটা পরিকল্পনা। এবং তখন রিলায়েন্স উল্টো আরো এই সমস্ত ইকুইপমেন্ট বাইরের দেশের কাছে, যারা নতুন করে 5G তৈরি করবে তাদের কাছে সেল করতে পারবে, সেই ক্ষেত্রে ইন্ডিয়ার আর বাইরে গিয়ে জিনিস কেনার যে টাকাটা খরচ করতে হচ্ছে তার বিপরীতে তারা বরঞ্চ সেল করে আর্নিং করবে। তো
তো ওভারঅল ভিডিওটাতে কিছু ইনফরমেশন এবং কিছু নিউজ ছিল। আর এই ভিডিওর রিয়েকশনটা যদি আমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের ভিডিওতে একটি লাইক করবেন এবং কমেন্টস করে জানাবেন আর কোন কোন ধরনের ভিডিও আমরা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারি। তো আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সাবধানে থাকবেন। আজকের মতো আমরা এখানে বিদায় নিচ্ছি।